Sports Minister Rajyavardhan Singh Rathore has promised continued support to medal prospects for the 2022 Asian and the 2022 Commonwealth Games, even though the focus has now shifted to 2020 Olympics in Tokyo. The sports minister also assured the players that there will be no bureaucracy from the ministry's side and no call for help will go unanswered. मुझे पता है अभी अगले दो साल के अंदर ओलंपिक्स की तैयारी होगी, लेकिन बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं और बहुत से ऐसे खेल हैं जो ओलंपिक्स में इमीडिएट मेडल प्रॉस्पेक्ट न होते हुए अगले एशियन गेम्स और अगले कॉमनवेल्थ गेम्स के पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, मेडल प्रॉस्पेक्ट्स हैं. आमतौर से इस समय जो फंडिंग आती थी उन लोगों को, वो बंद हो जाती थी. हमें उसको बदलना है और वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है. मैं करना चाहता हूँ कि अगले 2000 जो भी अगला एशियन गेम्स है, 2022 एशियन गेम्स, 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स और ऑफ कोर्स 2020 का ओलंपिक खेल, इन सभी के लिए जितने भी पदक के पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, खिलाड़ी हैं, उन सब की फंडिंग लगातार चलती रहे. और उसके लिए मैं इस कोशिश में हूँ कि किसी न किसी तरह से जितने भी कॉरपोरेट्स हैं जो अपनी अपनी तरह से खेलों के प्रति पैशनेट हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, उन सभी से फंडिंग लाकर एक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट लगे हमारे खेलों के प्रति पूरे भारतवर्ष में. इस काम पे मैं अभी लगा हुआ हूँ और टारगेट ओलंपिक पोडियम जो हमने एक पूरी टीम बनाई है, वो पूरी टीम और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर हमारी तरफ से कोई भी ब्यूरोक्रेसी नहीं होगी. एक डायरेक्ट संवाद खिलाड़ियों के साथ रहेगा.